गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनमें आप बदलाव चाहते हैं? समस्या तो एक तो पानी की समस्या है, यहाँ पर पानी थोड़ा सा क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। दूसरा, ये जो गाजियाबाद है ये एक ऐसा सिटी है जहाँ से पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ये पूरे यहाँ पर आकर, यानी कि गाजियाबाद अगर आप आज से 20 साल पहले देखें और आज देखें तो जो नया गाजियाबाद है वो इन्हीं लोगों ने बसाया है जो बाहर से लोग हैं। तो इन लोगों को अच्छी सुविधा मिले, इन सब लोगों को यहाँ पर सुरक्षित महसूस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जो गाजियाबाद, क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो इसके हिसाब से यहाँ की आवश्यकता भी। जी सर, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ अब बीजेपी लोकसभा चुनाव चलने वाले हैं, तो आप सर क्या चाहते हैं कि कौन से कार्य क्षेत्रों में आप बदलाव की उम्मीद रखते हैं? हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी का 10 साल तो मोदी जी को हो गए, योगी जी को भी 7 साल हो चुके हैं जी। और लगातार यहाँ पर जो हमारे मेयर हैं, जब से गाजियाबाद नगर निगम बना है, भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर हैं। और अभी तो इस बार जो नगर निगम बना है उसमें रिकॉर्ड 67 हमारे पार्षद भी हैं। ये सब मिलकर ये चाहते हैं कि ये जो देश है ये विकसित हो और ये गाजियाबाद है इसका एक अलग से नाम हो, एक मॉडल के रूप में नाम हो, जैसे चाहे वो स्वच्छता के रूप में हो, चाहे वो पेयजल के रूप में, चाहे हमारे पास जो नदी बहती है, चाहे यहाँ के तालाब हो, इन सब में सुंदरता हो, इन सब में जीवन हो और यहाँ का जो मानस है उसको सारी सुविधा प्राप्त हो, जिसके लिए हम सब लोग काम भी कर रहे हैं। सर, जैसे कि आप जानते हैं एनजीओ संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया है भाजपा के द्वारा, तो आप इससे क्या वो रखते हैं अपेक्षाएं कि आगे क्या बदलाव चाहिए या क्या और होना चाहिए जो कि एनजीओ वालों को चाहिए होगा? एक्चुअली ये जो सम्मेलन है ये भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न एनजीओ को के साथ संवाद है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट का जो को जो अलग अलग करके देखा जाता है। हम लोगों का मानना है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने अंदर बताया है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जब सरकार को समाज ने दिशा दी और वो एक बड़ा अच्छा परिणाम आया, तो ये सब उसी का परिणाम है, हम ये सब उसी के लिए किया जा रहा है। जब पूरे चाहे वो समाज राज हो और समाज हो, समाज यानी एनजीओ, ये मिलकर जब काम करते हैं तो अच्छा परिणाम आते हैं और उन परिणामों के लिए जरूरी होता है कि ऐसा राज हो जो उनके फेवरेबल हो, यानी मोदी सरकार, यानी योगी सरकार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का हमारे महापौर, यानी ऐसी सरकार लाना जो हमारे एनजीओ के लिए फेवरेबल हो और उनका उनको सपोर्ट कर सके। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक एनजीओ आप चलाते हैं तो उस एनजीओ के द्वारा आपको क्या लगता है कि सरकार अपने वादों पर खड़ी उतरी है? मैं सेंटर फॉर वाटर पीस का सीएमडी भी हूँ और एनजीओ प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का सह संयोजक भी हूँ। हम लोगों ने पिछले 3 सालों में 2500 एनजीओ का एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिसने सरकार के साथ मिलकर सरकारों की जो योजना है, मैंने कहा कि सरकारों की जो योजना है उनको भी धरती पर उतारने का काम एनजीओ ने करते हैं। और तो ये जो एनजीओ का और सरकार का, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो समन्वय बना है उससे बहुत सारे, और खास तौर से मैं पूर्वांचल की बात करता हूँ, इसमें तो एक बहुत सारे स्वयं सहायता समूह, यानी कि एक एनजीओ पर लगभग 50,000, 1,00,000, 2,00,000 प्रबोधनी संस्थान बताता हूँ मिर्जापुर का, उस पर 2,00,000 बहनें जुड़ी हुई हैं और वो अपने गांव में खुशहाली ला रही हैं, अपने हाथों से वो काम करती हैं, अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाती हैं, उसको मार्केटिंग भी मिल रही है क्योंकि सरकार ने जेम पोर्टल पर उन सबको कहा है कि लाए जा, जेम पोर्टल से उनकी धड़ाधड़ उनकी माल बिक्री हो रही है। सर, जैसे कि आप एक एनजीओ संयोजक भी हैं, भाजपा के संयोजक भी हैं, तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब एनजीओ वाले कभी आपसे कुछ लेकर आते हैं कि ये कार्य क्षेत्र में ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, मतलब जिस तरह के वो बदलाव चाहते हैं, क्या वो बदलाव यहाँ हो पाते हैं? संवाद केंद्र के संवाद की बात कर रहा हूँ, गाजियाबाद लोग, देखिए मैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं प्रदेश संयोजक हूँ, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, गाजियाबाद उसी में है, तो ये सब जो संवाद है वो इसीलिए, और ये पिछले लगभग 2 साल से हम लोगों ने चला, जब 2022 से हम लोगों ने शुरू किया था, तो ऐसी तमाम चीजें सरकार को सुझाव देना, सरकार के कामों को ठीक करना। मैं बताऊं, कई हमारे पानी के जो जल जीवन मिशन है वो तो एनजीओ की रनी कर रहे हैं जी। और अनेक प्रकार की ऐसी योजना है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनका सफल बनाना एनजीओ के बिना हो ही नहीं सकता,
और ऐसे अनेक तरह की चीजें हैं जो एनजीओ ने बताया है, उसको सरकार ने माना है और वो ठीक हुआ है। तो ये संवाद निरंतर है, हम लोग भी एनजीओ को भी कुछ होता है तो एनजीओ को बताते हैं, स्कीम्स में उनको लाने की कोशिश करते हैं और एनजीओ भी हमारे साथ आके काम कर रहे हैं।